बैठे मर गया था 15 दिन आना हो जोड़ा तो गुनियारी कोई गम आठ नहीं है, परिवार में कोई आठ नहीं है, घर में कोई विवाद नहीं है, कोई चीज को कहें कैसा विवाद नहीं है, जगह बाद में समझ नहीं आ रही तो बड़ो कांड क्यों हो, पुलिस के खुद के भी समझ में नहीं आ रही है। अभी तक मामले में पुलिस की कार्रवाई कठे तक की पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई कठे ही कौन पहुंची, तुरते जीरो है। तो यह घटना हुई उन टाइम घर कौन कौन हो जाए? घर मतलब नरेंद्र हो, नरेंद्र की घराली ही, नरेंद्र को लड़को हो। देख रहे हो झलको झुंझुनू, अभी मैं मौजूद हूँ गांव बजावा सुरा के अंदर, जो चिड़ावा पंचायत समिति के अंदर आवा है और मंडेला के नजदीक पड़े है। 2 दिन पहले उरे एक घटना हुई ही, बुजुर्ग दंपति रिटायर्ड सूबेदार महावीर सिंह जी पूनिया और उनकी वाइफ भानवती की रात ने सोते टाइम निर्मम हत्या कर दी गई। और जो यह हत्या करी गई है 2 दिन होगा ही, अब तक हम के पुलिस जांच कड़े तक पहुंची है और के सारो यो घटनाक्रम रियो है के बारे में आपा उरे जो भी परिजन वगैरह ही उन्होंने आपा जान से और जांच प्रक्रिया कड़े तक की पहुंची है एक बारे में भी आपा जानने की कोशिश कर सें। आप झलको पर ते नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लास्ट तक देखियो। अपने जो महावीर सिंह जी और भानवती जी है ये किला क्या करता मुझे लगता, तो अभी तक मामले में पुलिस की कार्रवाई कठे तक की पहुंची है? पुलिस की कार्रवाई कठे ही कौन पहुंची, तुरते जीरो है। बिल्कुल संतुष्ट को नहीं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, पुलिस के खुद के भी समझ में नहीं आ रही है कि कोई आगे चाल रही नहीं है, कोई कैमरा हो, कोई लोकेशन है, कोई मोटरसाइकिल की इकड़े कुछ नहीं मिल रही है, गाँव बाहर न कोई चीज जा रही नहीं है। तो की कारण लगे है जया को तारे की समझ में आओगे के बताओ क्यों समझो को नहीं आ रही, कोई गम आठ नहीं है, परिवार में कोई आठ नहीं है, घर में कोई विवाद नहीं है, कोई चीज को कहें कैसा विवाद नहीं है, जगह बाद में समझ नहीं आ रही तो बड़ो कांड क्यों हो। अब गांव वाला सारा यह करेंगे यो कहेंगे अड़के ही कौन जातो, तो अड़के नहीं जाते तो फिर चलो एक बार कोई आदमी पीएडो है थप्पड़ मार दे गुस्सा हो जा, इतनी चोट क्यों करी लगाई, फिर इतनी चोट मारी है तो आग लगकर कोई आठ तो गहरी है। अब या तो घराला छुपा रहे हैं या गाँव छुपा रहे हैं, एक काम तो हो रही है। तो जैते पुलिस कद मिला है और के जवाब मिलो था? मैं पुलिस थोड़ी बार आधे घंटे पहले मिलो, पुलिस लाग रही है छाने, चार भी मेरी टीम लाग रही है लेकिन कोई सुराग लाग रही नहीं है फिलहाल टाइम। मतलब पुलिस को कहना है कि मतलब कोई चीज को आगे बढ़ रही को न्या है। जो गिरफ्तारी हुई यहीं पर कण की हुई? नहीं वो तो जहाँ गम में कोई मतलब बेटे में कोई कूट मारे रात न हंड रहा मुसक्का धैर जाए कैमरा कामरा देखा जहाँ मतलब मैं 12 बजे गेड़ो हूँ कड़े और कैमरा में आये और मन ने बुजुर्ग में कहती साहब मैं शाम के ही सो गए घर आके और शाम के घर का बुजुर्ग की जेपी कहना आयो घर का कही रात 2 बजे ओ आधार के कारण मतलब उन्होंने ले गया कि भी ते झूठ क्यों बोल रहे हो लिए उसका आधार हूँ। तो जय उन्होंने अभी पुलिस कनी ही या उन्होंने छोड़ दिया? पुलिस कनी है, पूछताछ चल रही हूँ कि भाई काल ने कोई अन्न बेरो है या नहीं है इसलिए पूछताछ। तेज है उनका रिश्तेदार होता अरकन जीती जानकारी हुई घटना हुई उन टाइम घर कौन कौन हो जाए? घर मतलब नरेंद्र हो, नरेंद्र की घराली ही, नरेंद्र को लड़को हो, नरेंद्र की भांजी और मामू मामी लिया। तो नरेंद्र जी का जो बच्चा ही बड़ी की उम्र कितनी की है? लड़को है 13.5 साल की उम्र है, 13.5-13 साल। हाँ तो नरेंद्र जी यह घटना हुई उन टाइम घर ही हा वो 8:30 बजे मंडलों घर चले गए और 8:30 बजे बाद में सुबह वो 6 बजे उठे जो देखी होने घटना 11 बजे तक वो जागता होता है कि 11 बजे तक ही जागता 11 बजे बाद में सो गया। तो जय बताया जा कि भाई वह जो भानवती जी है उनकी तो भाई सीधो जय गड़ो काट रहा को लेकिन महावीर सिंह जी का तो शरीर पर भी निशान हा तो कोई यहीं लागे झड़प हुई बहुत चोट है मतलब जहाँ सुते के मारे जहाँ हाथ उत मारे है उन आगे जहाँ पहलो वार करे है जो हाथ मारे है जो उड़े लाग रही है जी ऑडियो लगाओ कि भाई हाथ उत करे है उन्होंने तो पूरे चोट लाग रही है फिर पूरे जहाँ उड़े भी लाग रही है उड़े भी लाग रही है ये नाश काट रखे उन्होंने क्यों ठेठता ही पूरा अलग चोट है। तो अणकी आपस में जो झड़प हुई तो कोई घरों ज्यादा दूर लेट रहा कि सो रहा कि घर जो भी है उनने आवाज कौन सुनी है? घर जो बरिंडा का जो आगे का लगवा रखा के बन टाइप को तो भीतर आवाज जाएगी ना तो झड़ने के बाद में भी जहाँ मेन गेट एक छोड़ रखे हो बाकी बरिंडा पैक कर रखे हो और भीतर मकान है और फिर वह आपको पंखो लगाए सुते हो अणकन फराटा चल हो तो अणकी आवाज को नहीं गई है और जठे तो हमारी सोच है कि आवाज निकलनी कौन दी दिखे। मैं अपने झलको मीडिया की तरफ हूँ ते पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है बन के करना चाहोगा?
भी प्रशासन जोर लगा रखे है, मतलब रातों हंड रहे हैं, जठे भी जावा उठे प्रशासन, क्योंकि जानकार है ओला सोला सिपाही है तो कोई एसओजी आलो है, तो रात ने भी जहाँ गाड़ियां ओली सोली लगाई रखे हैं, लाग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई को नहीं, जीरो ही पड़ी है, मतलब कह रहा हूँ लागे कोई बढ़ रही हो को नहीं है, सोचना कोई पुलिस कहीं भी को नहीं सुराग लाग रहा, पुलिस भी कह रही है भाई सहयोग करो सहयोग करो, तो करा क्या को सहयोग, कोई मानने भी कोई नॉलेज नहीं है, और पुलिस भी बाकी पुलिस लाग रही रात दिन है, या कौन कह सकें कि पुलिस की कोई लापरवाही है, वह नहीं है, लेकिन पुलिस का हाथ नहीं लग रहा कुछ भी। एक डर को माहौल तो हो गई, इतनी बड़ी है घटनाओं की गांव में, परिवार सब परिवार में भी है, गांव में भी है, फिर जहाँ नाक है तो भी सोचा हमने घर बैठे मार गया था, पंद्रह दिन आना और जोड़ा, 12 बजे भी आवा, 1 बजे भी आवा, धंधे पर भी जहाँ रात में 2 बजे भी उठ के जाना पड़ा है, सही है, तो सेफ कड़े हमें प्रशासन ने भी आप मुझे ध्यान से, प्रशासन ने कोई चीज की कड़ी को बेरो पाट जा ऊँता ही प्रशासन नहीं जा भाई, आप जहाँ बताओ कि साहब शक है फलाना आदमी पर, और प्रशासन उन अगर नहीं पूछ रहे है तो प्रशासन की गलती माना पा, प्रशासन अपनों पहली उठे पूछ रहे है और उन चीज ने ठा रहे है पूछ रहे है तो प्रशासन के करे जावे। अभी अपा जय बजाव के अंदर जो बुजुर्ग दंपति जन की हत्या करी गई उनके परिजनों बात करी, तो अपने यह चीज समझ में आई, अपन ये बताई गई कि पुलिस से जांच में जरूर जुट रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के एन की कोई चीज हाथ कौन लगी है, जब अपाया कह सका कि मामले की तहत पूछ गा या पूरा पूरा मामलों सुलझ गो, लेकिन परिजन एक तरीकों पुलिस की कार्रवाई कुछ हद तक संतुष्ट भी हैं कि पुलिस काम करे लाग रही है, हालांकि सफलता अभी तक कौन मिली है, तो उम्मीद करा कि जल्दी पुलिस ने मामले के अंदर सफलता मिले, और जय ही कोई अपडेट होगी तो जलको मीडिया पर ताने तुरंत दी जाएगी।